नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जवल जम्मू न्यूज और मैं हूँ अस्मिता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब एक दिवसीय दौरे के पहले के कार्यक्रम के बजाय 2 दिनों के लिए जम्मू का दौरा करेंगे और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के शीर्ष अधिकारियों के साथ जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति और विकास कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा भी करेंगे। इसमें सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, खुफिया एजेंसी और नागरिक प्रशासन के कई जवान शामिल होंगे। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अमित शाह 18 मार्च की दोपहर को जम्मू पहुंचेंगे और 19 मार्च को यहां एमए स्टेडियम में सीआरपीएफ स्थापना दिवस परेड को संबोधित करेंगे और उसके बाद सुरक्षा समीक्षा बैठक भी करेंगे। वह 19 मार्च की शाम को केंद्रीय राजधानी लौटेंगे। इससे पहले शाह 19 मार्च को जम्मू में पहली बार मनाए जा रहे सीआरपीएफ स्थापना दिवस को संबोधित करने के लिए जम्मू जाने वाले थे। मैं जानकारी के लिए बता दूं कि अभी अर्धसैनिक बलों, खुफिया एजेंसियों, जम्मू कश्मीर पुलिस और नागरिक प्रशासन के शीर्ष अधिकारी सुरक्षा समीक्षा बैठक में शामिल होंगे, जो 5 महीने से भी कम समय में केंद्र शासित प्रदेश में गृह मंत्री की दूसरी बैठक होगी। उन्होंने पिछले साल 23 से 27 अक्टूबर तक 5 दिनों के लिए जम्मू कश्मीर का दौरा किया था और विकास कार्यों आदि की समीक्षा की थी और जम्मू में एक रैली को भी संबोधित किया था। इसी बीच आप जुड़े रहिए उज्जवल जम्मू न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत।